आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स, सबसे पहले जो मेरे पास क्वेश्चन है कि उसमें हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, देखिए इसमें ये नहीं बताया कि टू सिग्निफिकेंट या थ्री सिग्निफिकेंट, कुछ नहीं लिखा हुआ। इसका ये मतलब है कि टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले काउंट करना है कि आपके पास कितने नंबर्स हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सिग्निफिकेंट फिगर है उसका आंसर होगा 5 बस। अब मेरे सेकंड क्वेश्चन में देखिए कि इसमें एक स्पेसिफिक बता दिया कि सिर्फ फाइंड करने टू सिग्निफिकेंट फिगर। ये एक क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, कभी थ्री भी सिग्निफिकेंट फाइंड कर सकते हैं, वन भी, जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आपने करना होगा। लेकिन इसमें मेरे पास जो है वो हमने फाइंड करेंगे टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका ये मतलब है कि आपने पहले तो आपको पता है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है ना ये हमारे पास तीन है, लेकिन आपको टू फाइंड करना है। तो ये मेरे पास जो है ये वन सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ये टू हो गया, ठीक है। हमने चूँकि टू फाइंड करना था इसलिए देखिए ये वन और ये हो गया टू, इसको मैंने सर्कल कर लिया। सर्कल करने का मकसद ये है कि आपने देखना है अगर ये नंबर जो है वो मोर देन फाइव है और फाइव है तो आपने इस नंबर में वन मोर ऐड कर देना है, क्योंकि ये इस टाइम थ्री है तो ये फाइव से लेस है तो आपने इसमें कुछ भी इस नंबर में ऐड नहीं करेंगे। तो इसका आंसर आएगा 5.4, यानी कि इसका ये मतलब है कि अगर टू सिग्निफिकेंट फिगर का है तो आप टू नंबर काउंट करके थर्ड नंबर को सर्कल करें और फिर इसको देखें कि अगर ये लेस देन फाइव है तो आपने यहाँ पे इस नंबर को बिल्कुल भी ऐड कुछ नहीं करना, ठीक है। जैसे अब सेकंड क्वेश्चन में मेरे पास है 0.456, इसमें भी टू सिग्निफिकेंट फिगर ही फाइंड कर लेते हैं। तो आप देखें ज़ीरो को आप कभी भी काउंट नहीं करेंगे अगर वो स्टार्ट में आ जाता है इस तरह, तो यहाँ से सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट होगा। सिग्निफिकेंट फिगर यहीं से काउंट होगा, यहाँ पे कोई नंबर होता है लेकिन ज़ीरो ना हो। तो अब टू सिग्निफिकेंट करने हैं तो ये वन सिग्निफिकेंट फिगर है, ये टू सिग्निफिकेंट फिगर, और फिर उसके बाद मैंने इसको सर्कल कर दिया। अब इसको सर्कल करने के बाद देखें कि जो सर्कल वाला नंबर है ये ग्रेटर देन फाइव है, तो यानी कि अगर ये फाइव से बड़ा है तो आपने इसमें वन नंबर ऐड कर देंगे। इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये हमारे पास अब बन जाएगा सिक्स, क्योंकि फाइव में इसमें वन जस्ट ऐड करेंगे तो वो सिक्स आ जाएगा और बाकी नंबर में कुछ ऐड नहीं करना, उसको वैसे ही आपने सारा लिख देना है। यानी कि 0.4 और साथ आपने सिक्स लिख दिया, यानी कि ये फाइव जो है वो किस में चेंज हो गया, सिक्स में। अब नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन में आप देखें कि ये हमारे पास इसमें कोई डेसिमल वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन हमने क्योंकि टू सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने हैं तो आपको पता है कि ये वन है और ये टू है, ठीक है। इसको मैंने वन मोर सर्कल कर दिया इसको भी, क्योंकि थर्ड नंबर को यहाँ पे अगर सपोज थ्री लिखा है तो आपने थ्री नंबर काउंट करने हैं, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि ये सिक्स है, ये ग्रेटर देन फाइव है, तो इसका मतलब है कि आपने इसमें वन मोर ऐड कर देंगे। इसमें वन मोर ऐड करेंगे तो ये टेन बन जाता है। अगर आपको ये हार्ड लगता है तो आप ये देखें कि ये एक नंबर है 49 एक्चुअली है, तो इसमें यानी कि टोटल वन मोर ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50। यानी कि इसमें आप इधर 10 नहीं लिखेंगे कि वन मोर किया तो ये 10 हो गया, ठीक है। अगर ये 10 करेंगे तो इसको फिर आप इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो बेहतर होता है कि अगर आपको ये कॉम्प्लिकेटिव लग रहा है, अगर 10 आ जाता है तो आप सिंपल 49 है, इसमें वन मोर ऐड किया तो 50 आ जाएगा, तो आप इसको 50 इधर लिखेंगे और उसके बाद ये जो बाकी नंबर्स हैं उनकी जगह पर ज़ीरो ज़रूर लगाएंगे। यानी कि कितने नंबर्स हैं यहाँ से काउंट करने हैं आपने, सिक्स से यहाँ तक, तो ये 1 2 3, इसका मतलब 3 और 0 इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें हमने 0 नहीं ऐड किया, जैसे ये ऊपर वाला सवाल था उसमें इसलिए ऐड नहीं किया कि आपको पता है अगर अब हम यहाँ पे 0 ऐड कर भी देते हैं जैसे इसकी जगह पे, तो 0 की जो वैल्यूज होती है ना वो डेसिमल में एंड पे कोई नहीं होती है, इसलिए आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पर 0 ऐड करने की। लेकिन इस क्वेश्चन में डेसिमल नहीं था तो आपने ज़रूर 0 ऐड करने हैं। जैसे अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी टू सिग्निफिकेंट करना है। तो ये देखिए ये जीरो है, मैंने बोला था कि जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करना, ये भी जीरो है, इसको भी लीव कर दें। यहाँ से नंबर है तो यहाँ से सिग्निफिकेंट फिगर आपके काउंट होने शुरू होंगे, ये वन है और ये टू हो गया, क्योंकि टू सिग्निफिकेंट करना था इसका मतलब दो नंबर के बाद करेंगे। ये इस थ्री को सर्कल किया और जब ये जब थ्री को सर्कल किया तो ये लेस देन फाइव है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने नहीं ऐड करना, यानी कि ये 92 है ना, तो यानी कि टू की जगह पे हम थ्री नहीं कह सकते हैं। आप 92 ना समझे, क्योंकि अगर यहाँ पे 10 होता जैसे ये था तो उसमें कॉम्प्लिकेटिव होता तो आप इसको दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये पता है कि टू है तो आप इसको टू ही रहने देंगे क्योंकि ये लेस देन फाइव है। तो आपने जो आंसर लिखना है वो सारा यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना होता है, ठीक है। तो आंसर आएगा 0.092, इसके बाद ये ज़ीरो लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो इस तरह ये कंप्लीट हो जाता है।